ओके स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मेरा नाम है वैशाली पांडे, वेलकम टू सीयूईटी बाय अडोनी 47। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे। एक बार मैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दे रही हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। जिंदगी में कुछ हसीन पल यू गुजर जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं और इंसान बिछड़ जाते हैं। आए भाई, ऐसा इतने सुबह सुबह इतना ऐसे क्यों? हाँ, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे। और ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, मुझे मेरी क्लास नहीं दिखाई दे रही है, एक मिनट, फटाफट से मैं सेशन को शेयर कर दे रही हूँ एक बार। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने तो सेशन को शेयर कर दिया है, आप भी शेयर कर दीजिए और फटाफट से, और एक बार आप लोग धुआंधार तरीके से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है? और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने दिमाग से जितनी सारी चीज़ें हैं सब बाहर आप निकाल दीजिए, ठीक है? और आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से हम एक नए मंथ की आगाज़ कर रहे हैं, और इस मंथ में आपका एग्ज़ाम है और आपको अपना क्या देना है, बेस्ट देना है, ठीक है? तो आज पहला दिन है, नया मंथ है, ठीक है, नई शुरुआत है, और बहुत कुछ हम इस मतलब मंथ में सीखेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये आपका मंथ थोड़ा सा डिफाइनिंग मंथ होगा, जब आपको थोड़ा सा अपने अपने लेवल को हाई करके, अपने अपने आप को कंट्रोल करके चीज़ों को कवर करना है, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग शुभम। ओके, शुभम पूछ रही है कि मैम आपने बिंदी क्यों लगाया है? ये बेटा बिंदी नहीं है, ये चंदन है, ठीक है? हाँ, मुझे भगवान की पूजा करते हैं तो लगाते हैं ना, वही वाला चंदन। शुभम कुमारी, मो आलम, नेहा चौधरी, ठीक है, सौम्या, देन पुरभाषा पॉल, देन सौम्या, एवरीवन, त्रिशा, आशु, अलोन विंग्स, आज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स मुझे सेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग केटी। हाँ, तो सोने वाले जाग जाइए और फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, सोने वाले जाग जाइए, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं एक चीज का वेट कर रही हूँ, ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आज, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज क्या है, 1 जुलाई है, ठीक है, आज 1 जुलाई 2022 है, सावन का महीना आ रहा है, ठीक है, सावन आ रहा है, सावन का महीना तो आ ही चुका है, सावन आ रहा है स्टूडेंट्स, और इतना खूबसूरत सा मंथ है, एक 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 नई शुरुआत है, एक नया दिन है, तो हम इस मंथ एक प्लेज लेते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे इस मंथ, और अपने और अपना जो एम है, अपने एम की तरफ पूरा 100% देंगे, अपने एम की तरफ 100% देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो नकुल कुमार बोल रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, मैम इज़ दी बेस्ट, ऐसा क्या हो गया भाई। हाँ चलिए, सो स्टूडेंट्स कीप योर एवरी थॉट असाइड, जस्ट फोकस ऑन दी क्लास नाउ। अब हम 1st of July 2022 को एक नए महीने में एक पहले दिन में एक अपनी पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपकी क्लास कितने बजे रहेगी, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो आज से रोज़ सुबह 7 बजे रहेगी, 7 AM पर। आज से आपकी क्लास 7 AM पर रहेगी। उसके बाद आपका जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होगा वो भी आपका सुबह 7 बजे रहेगा, 7 AM पर रहेगा, ठीक है, 7 AM पर रहेगा। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 7 AM पर रहेगा, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मैराथन सेशन होगा जिसमें मैं 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स को कवर करूँगी, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स, वो आपका 10th of July को होगा। तो आई थिंक 10th of July संडे पड़ रहा है, बताओ 10th of July संडे पड़ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो 10th of July है बकरीद, लेकिन इस दिन हम क्या कवर करेंगे, हम मैराथन क्लास को कवर करेंगे 6 मंथ्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल हाँ, शुभम कुमारी बोल रही है मैम मेरे बाद आप ही ब्यूटीफुल हो, हद हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है अंतिम वार करके, वो 30th of June को स्टार्ट हो गया है, और यू नो एक दो दिन का डिस्काउंट है, आप फटाफट से जाके इसको एनरोल कर लीजिएगा। 15 डेज़ का हम रिविजन करवाएंगे, जो जिन बच्चों ने एनरोल पहले से भी किया है बैच, वो भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिविजन क्लास होगी आपकी, फाइनल रिविजन क्लास, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यूज़ कोड कैपिटल Y455 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अलोन मीन्स चुपचाप पढ़ाई करो। हाँ देखो अथर्व मित्र बोल रहे हैं सावन का महीना पवन करे शोर, जेरा झूमे ऐसे बनवा नाचे मोर, मनवा नाचे मोर। बहुत बढ़िया, तुम लोग सुबह सुबह एकदम दिल और दिमाग दोनों फ्रेश कर दिए ना। चलो ओके स्टूडेंट्स, थॉट ऑफ द डे देखते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, है कि नहीं, इतना खूबसूरत सा है। जो जीत और हार है, जैसे आपका भी पेपर है 15th of July से स्टार्ट हो रहा है CVD एग्ज़ाम्स और बाकी NDA एग्ज़ाम्स, बाकी आपके जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो सारे आपके स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स जुलाई के महीने में, और साथ ही CUET, UG और PG दोनों स्टार्ट हो रहा है जुलाई के मंथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीत और हार जो होती है ना वो हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम सोच लेंगे ना, अगर हम ठान लेंगे तो जीत होगी, ठीक है, और अगर हम मान लेंगे तो हार हो जाएगी। अगर हमने पहले ही मान लिया कि भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला तो हमारी हार ही होगी, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हमको जीतना है, भले ही हमारे अंदर वो क्षमता ना हो, भले ही हमारे अंदर वो जुनून वो ना हो, लेकिन हमने ठाना है कि हमको जीतना है, तो पूरी बॉडी आपको उस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है। हाँ ड्रीम दीवानी, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रीम दीवानी क्या नाम है, मतलब बच्चे जो ऑफलाइन में देखते होंगे ड्रीम दीवानी, वो भी बोलते होंगे कि मैम किसको बुलाती हैं ड्रीम दीवानी हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे। करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे, MCQ रहेंगे और जनरल नॉलेज को कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्टिंग आर करंट अफेयर्स ऑफ 1st of July 2022, इट्स एनालिसिस, उसके बाद हम MCQ करेंगे और उसके बाद हम जनरल नॉलेज में अवार्ड्स आज पढ़ने वाले हैं, अवार्ड्स, रीसेंट अवार्ड्स किसको किसको दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर्स एनालिसिस में स्टार्ट करते हैं। जून 30 कल क्या था, जून 30 था, और जून 30 को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म, ताकि यू नो बेसिकली हर साल इसको कॉमेमोरेट किया जाता है इस डेट पर, जून 30 पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है वो फाउंड हुआ था, तो इस वजह से हम इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इसको ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारी IPU है स्टूडेंट्स, हमारी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ठीक है, ये यू नो बेसिकली मतलब पेरिस में 1889 में ये एक तरीके की इंटर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स की, जो प्रमोट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स,
अकाउंटेबिलिटी और साथ ही जो कॉपरेशन उनके मेंबर कंट्रीज के बीच में है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट्स? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटर पार्लियामेंट्री जो हमारे यूनियन प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम क्या है? साबिर हुसैन चौधरी। साबिर हुसैन चौधरी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का फाउंड हुआ था 1889 पेरिस फ्रांस में, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है मार्टिन चौंगोन। ठीक है, शुभम कुमारी, ड्रीम दीवानी, निशा सिंह, सुचिता मौर्य, बिल्कुल। तो जून थर्टी को मोटा मोटा ये आपको याद रखना है, जून 30 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ठीक है, क्योंकि इस दिन इंटर पार्लियामेंट्री जो हमारा यूनियन है वो फॉर्म हुआ था 1889 पेरिस फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स। एकनाथ शिंदे जो कि एक रेबल शिवसेना MLA हैं, इनको बनाया गया है नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का। इनको नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बनाया गया है देवेंद्र फण। ओके, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स, याद रखनी है, हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया, राइट? सो एकनाथ शिंदे जो कि एक रिबल शिवसेना MLA हैं, इनको नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया है और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, डेविन फडणवीस ने मतलब प्रेस को बताया, ये फलाना धमकाना वाली बात है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि हु हैज़ सोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में भी आने वाला है कि नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का किसको बनाया गया है। आप चीफ मिनिस्टर में बाकी स्टेट का पढ़िए ना पढ़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको महाराष्ट्र का ज़रूर पढ़ना है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है, यहाँ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यहाँ कौन कौन से डैम्स एंड रिवर्स हैं, इसका स्टेट सिंबल क्या है, स्टेट कैपिटल क्या है, स्टेट सब कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र का आप तैयार कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो कि रेबल शिवसेना MLA हैं, इनको नया चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं वर्ल्ड एस्ट्रोनॉइड डे, ये इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड डे भी बोलते हैं। ये जून 30 को बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड डे मनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वर्ल्ड एस्ट्रोनॉइड डे इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड डे। इट इज़ एन एनुअल UN सैंक्शन ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन द जून 30 विच इज़ द एनिवर्सरी ऑफ द साइबेरियन, ठीक है, टंग्स्का इवेंट ऑफ 1908 टू प्रोवाइड द नॉलेज टू द जनरल पब्लिक अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ एस्ट्रोनॉइड इन हिस्ट्री एंड द रोल दे प्ले इन आर सोलर सिस्टम टूडे। ठीक है, सो हम क्या मनाते हैं, जून 30 को एस्ट्रोइड डे मनाते हैं, एस्ट्रोइड डे, गॉट इट? हाँ बिल्कुल, आपको पता है एस्ट्रोइड क्या होता है, आपको एस्ट्रोइड का मीनिंग पता है, ये एक तरीके का माइनर प्लैनेट होता है एस्ट्रोइड, बच्चे ये एक तरीके का माइनर प्लैनेट होता है इनर सोलर सिस्टम का, ये एक माइनर प्लैनेट होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, एक चीज देखते हैं, वर्ल्ड एस्ट्रोइड डे का थीम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। वर्ल्ड एस्ट्रोइड डे का थीम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द आउटर अफेयर्स के डायरेक्टर कौन है, सिमोंता दी पिपो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स UNOSCA के डायरेक्टर हैं सिमोंता दी पिपो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखिए, डाक कर्मयोगी, कल मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था, डाक कर्मयोगी जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, इसको लॉन्च किया गया है श्री अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और साथ ही जो श्री देवू सिंह चौहान है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन, उनके द्वारा किया गया है। अच्छा, आप लोग अपने जो व्हाट्सएप पे अबाउट सेक्शन होता है ना, उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे का थीम है।
चलिए, तो डार्क काम योगी जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यू नो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का उसको लॉन्च किया गया, श्री अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और श्री देवू सिन्हा चौहान मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो फंक्शन है ये हेल्ड हुआ था स्टीन ऑडिटोरियम इंडियन हैबिटेट सेंटर में 28 जून 2022 को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम और देख लेते हैं। मेघदूत अवार्ड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में, और ये हाईएस्ट अवार्ड है डिपार्टमेंट पोस्ट का। मेघदूत अवार्ड ये 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चे, और ये हाईएस्ट डिपार्टमेंटल पोस्ट यू नो अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द डिपार्टमेंटल पोस्ट है, और नेशनल लेवल का ओवरऑल परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस भी दिया जाता है। एक चीज़ और है, ये अवार्ड को फैसिलिट किया जाता है विद अ मेडालियन सर्टिफिकेट और कैश प्राइज ऑफ 21,000। कुछ पुष्पेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। आगे बढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे, तो मैंने आपको बताया एकनाथ शिंदे को क्या बनाया गया है, नया चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। स्टूडेंट्स, एकनाथ शिंदे जो है ये नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। ये यू नो ये नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए, और उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये कब आया, दिस कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे महाराष्ट्र गवर्नर डायरेक्शंस टू द उद्धव ठाकरे लेड महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट टू टेक अ फ्लोर टेस्ट इन द असेंबली। लेट इन द इवनिंग मिस्टर ठाकरे सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी एट द राजभवन इन मुंबई, राजभवन इन मुंबई। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। तुम लोग आपस में ही बात कर लिया करो, हाँ तुम लोगों को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग आपस में ही बात कर लिया करो, ठीक है, बताओ। हाँ आप आपस में ही बात करके फुर्सत करो। चलिए कुछ महाराष्ट्र की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं उद्धव ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। अब चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स, चीफ मिनिस्टर कौन है, नए चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए। अभी तो मैंने बताया आपको एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, मिस्टर मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, बिल्कुल। एरिया वाइज बात करें तो महाराष्ट्र की थर्ड रैंक है, अगर हम एरिया वाइज बात करें स्टूडेंट्स तो महाराष्ट्र की थर्ड रैंक है, बिल्कुल, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र की सेकंड रैंक है, अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की, गॉट इट, बिल्कुल। हाँ आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, चलिए, सो लेट्स मूविंग ऑन टू आर एमसीक्यू सेशन। वी हैव कंप्लीटेड आर करंट अफेयर्स एनालिसिस, वी हैव कंप्लीटेड आर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट एनालिसिस, नाउ लेट्स मूविंग टू आर एमसीक्यू सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। थैंक यू पुष्पेंद्र, बताइए इसका आंसर क्या होगा, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव इसको किस सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रकाश यादव कह रहे हैं मैम पूजा करके आई हैं, बिल्कुल मैं पूजा करके आई हूँ। रजनी, हाँ टाइम चेंज हो गया, 7 बजे टाइम हो गया, आपको सुबह 7 बजे आ जाना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से, आर हेल्थ पायलट इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है किस सिटी में, आर हेल्थ कह रही है, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव को किस सिटी में लॉन्च किया गया बताइए।
योर आंसर यर विल बी ए, दैट इज बेंगलुरु. ठीक है. वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, दैट इज बेंगलुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ ब्लिंक कॉमर्स, ब्लिंक के जिसे बोलते हैं, अर्लियर नोन एज द ग्रॉफर्स इंडिया, अर्लियर नोन एज द ग्रॉफर्स इंडिया. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि ये ब्लिंक कॉमर्स, ठीक है, को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, जिसको ग्रॉफर्स इंडिया बोला जाता था पहले. थैंक यू अनुज एवरी वन, सो थैंक यू. अब पढ़िए, थोड़ा सा फोकस करिए. आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. Which of the following company has announced the acquisition of Blink Commerce, Blinkit, earlier known as the Grofers India? Your answer here will be D, that is Zomato. Your answer will be D, that is Zomato. Next, which of the company has launched the wearable ATM cards and offline UPI? UPI ka yahan pe full form kya hai? Unified Payment Interface. Unified Payment Interface. तो भाई कौन सी कंपनी जिसने लॉन्च किया है वेरिएबल एटीएम्स और ऑफलाइन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज एस मनी. कल मैंने आपको ये पढ़ाया था. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. 21st एडिशन ऑफ द ट्रांसलेवनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? 21st, ठीक है, 21st ट्रांसलेवनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया है? बताइए इसका आंसर फटाफट से. बिल्कुल स्टूडेंट्स, वेरी गुड. योर आंसर हियर विल बी बी, दैट इज रोमानिया. तो रोमानिया है ये 21st एडिशन ऑफ द ट्रांसलेविया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को रोमानिया में हेल्ड हुआ है. ठीक है शेख जी, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में. नेक्स्ट, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन, बताओ? वट विल बी द राइट आंसर? नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे को किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए. स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, अभी पास में जितना कुछ हो चुका है हो चुका है, ठीक है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आज आपकी 1st of July 2022 है, ठीक है, और आज के दिन से आप प्लेज ले लीजिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है, सारी क्लासेस को कंसिस्टेंट अटेंड करनी है, रिविजन करना है और प्रैक्टिस करनी है. इसको अच्छे से आप लोग ठान लीजिए, एक टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, एक टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट कर दो. मेरी क्लास का समय आप 7 से 8 रख लीजिए. ठीक है, मान लो थोड़ा बहुत देर, मतलब लेट भी हो जाते हैं 5-10 मिनट, तो आपकी 8 बजे तक आप क्लास को समझ लो कि आप 7 से 8 आपकी क्लास रहेगी. तो एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि हमको सुबह 7 से 8 करेंट अफेयर्स क्लास देखनी ही देखनी है, क्योंकि आज से आपका एक तरीके का नया रिविजन स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर्स. और बीच में मैं मैराथन भी क्लास करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी. तो इसीलिए ना आप आज से एकदम कंसिस्टेंट रहिएगा क्लास को. ठीक है, बिल्कुल. और आपको आज से बहुत मेहनत करनी है क्योंकि आपका एग्जाम इसी महीने में है, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. योर आंसर हियर विल बी सी, योर आंसर विल बी सी, दैट इज 28th of June. तो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे को हम 28th of June को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं. चाउलूर कृष्णा कुत्ते हु पास अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? किस फील्ड से एसोसिएटेड थे चाउलूर कृष्णा कुत्ते, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे स्टूडेंट्स, बताइए. योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. राइटर भी हैं, लिरिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं. ठीक है, राइटर भी हैं, लिरिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं. अंशिका यादव बोल रही, मैम आप लोग कॉल नहीं करते हो गूगल फॉर्म फिल करने के बाद भी. बच्चे एक्चुअली ना हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस चल रही है, लगातार क्लासेस चल रही हैं, वी आर नॉट गेटिंग दी गैप्स. लेकिन फिर भी चिंता ना करो, आज या फिर कल, आज में मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आज आपको कॉल करूँ. ठीक है, आज आप जितने भी लोग को कोर्स चाहिए या फिर कुछ पूछना है वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, आज मैं आपको यू नो कॉन्टैक्ट करूँगी. ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं समय पाते ही कॉन्टैक्ट करती हूँ आपको आज. ठीक है, फोकस करो. इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश. तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए.
बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर. योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज 29th of June. योर आंसर विल बी 29th of June स्टूडेंट्स. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, इसको इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 29th of June को. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. आईजी ड्रोन्स, इसको ये अवार्ड हुआ है एज द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय द एयर वर्ल्ड्स. आईजी ड्रोन इज बेस्ड आउट ऑफ डैश. सो आईजी ड्रोन्स हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय द एयर वर्ल्ड्स. सो आईजी ड्रोन्स इज बेस्ड आउट ऑफ डैश. बताइए योर आंसर हियर विल बी डी. योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज दिल्ली. योर आंसर विल बी दिल्ली. तो आई जी ड्रोन्स, जिसको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, एयर वर्ड्स के द्वारा, तो आई जी ड्रोन जो है ये दिल्ली का है. नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार है हु हैज बैक द सेकेंड प्राइज इन द नेशनल MSME अवार्ड 2022. कौन सी राज्य सरकार को मिला है सेकेंड प्राइज नेशनल MSME अवार्ड 2022 में? फटाफट से आंसर करेगा. पंडित चंद्र प्रकाश शुक्ला. पंडित चंद्र प्रकाश शुक्ला हमारी पेड बैच के स्टूडेंट हैं और यू नो इनकी क्लास ख़त्म हो चुकी है ना, है ना पंडित, हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है ना. अच्छा, क्या मेरी ख़त्म हुई है या बाकी क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं? योर आंसर हियर विल बी बी, दैट इज बिहार. सो कौन सी राज्य सरकार है जिसने बैक किया सेकेंड प्राइज नेशनल MSME अवार्ड 2022 में? योर आंसर विल बी बिहार. हाँ, पता है क्या होता है, जैसे मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ तो हाँ बिल्कुल मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ तो क्या होता है कि जैसे ऐसे मैं मतलब मैं देखती हूँ कि आंसर 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 आ रहा है, अचानक से एक साथ कमेंट उठता है सबका. मतलब जैसे जो ऐसे लाइन वाले कमेंट्स होते हैं ना, ऐसे करके लोग डी 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 ए ए बी मतलब ये आंसर्स देते रहते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन अचानक जैसे जब आता है तो अचानक से आ जाता है सारे कमेंट्स एक साथ. अच्छा, आज लास्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज अ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द एग्रीकल्चर? हाँ, आज से आपका क्लास 7 बजे से है, 7 AM पे है आज से क्लास. 1st of July से आपका क्लास 7 AM पर है, ठीक है. हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली. आपको बताना है ये कहाँ पर है. मुझे देखिए, इतने सारे लोग वॉच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 248 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग और लाइक यहाँ पे सिर्फ 94 है. फटाफट से आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है. लाइक और शेयर डेफिनेटली कर देना. लाइक इसलिए क्योंकि ये मेरा सेशन है, तो मुझे अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा. शेयर इसलिए क्योंकि उन बच्चों को भी जाना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जिनको पता नहीं है कि क्लास चल रही है, तो उन बच्चों तक भी मेरा बैच जाना चाहिए क्योंकि ये फ्री बैच है, फ्री है एकदम. और इतना अच्छा पढ़ते हो तुम लोग, इतना अच्छा पढ़ाते हैं हम, है ना, मतलब हर एक चीज पढ़ाते हैं, तो इसलिए सारे बच्चों को मिलना चाहिए ये. आंसर विल बी बी, दैट इज नागालैंड. सो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नागालैंड में. हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज लॉन्च द रिपोर्ट इंडियाज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऑन द गिग इकोनॉमी इन इंडिया? किसने लॉन्च किया है? कौन सा उड़ीसा होगा? उड़ीसा होगा. मैं एक बार देखो चेक कर लेती, रुक जाओ देख लेते कंफ्यूजन क्या है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, चिंता ना करो. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, डोंट वरी. सही तो लिखा है स्टूडेंट्स, नागालैंड ही होगा बच्चे, सही तो लिखा है. कौन सा उड़ीसा होगा?
यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है सेकंड प्राइस, यहाँ पे क्या पूछा है बच्चे, सेकंड प्राइस पूछा है ना, सेकंड प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस किसको मिला था, फर्स्ट प्राइस मिला था ओडिशा को, राज्य सरकार ने फर्स्ट प्राइस दिया था ओडिशा को नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में। सेकंड प्राइस हमारे बिहार को मिला था, सेकंड प्राइस बिहार को मिला था, और थर्ड प्राइस आपको आपके हरियाणा को मिला था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सेकंड प्राइस पूछा है, सेकंड प्राइस, ठीक है। हाँ देखो आयुषु आयुष बोल रहे हैं, मैं बिहार से हूँ तो मतलब बिहारी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसने लॉन्च किया है रिपोर्ट, इंडियाज ब्लूम बूमिंग बिग गिग, इंडियाज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऑन द गिग इकोनॉमी इन इंडिया। सो योर आंसर यह विल बी सी, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग हमारे इंडिया का क्या है बच्चे, हमारे इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडिया पैजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो बताइए एक चीज बताइए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसको डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 एक तरीके का लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पैजेंट है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है। योर आंसर यह विल बी डी, दैट इज खुशी पटेल, योर आंसर विल बी खुशी पटेल। नेक्स्ट, सिडनी मैकॉलिन क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन डैश विद द 51.41 सेकेंड्स बाई ब्रेकिंग हर ओन रिकॉर्ड ऑफ 51.46 सेट लास्ट ईयर एट टोक्यो गेम्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सिडनी मैकॉलिन ने क्रिएट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, 400 मीटर हर्डल्स में, वेरी गुड। नेक्स्ट, मुफिन फाइनेंस रिसीव्ड इन प्रिंसिपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर द इश्यूएंस ऑफ डैश प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इशू करने के लिए, बताइए। योर आंसर यह विल बी ए, दैट इज सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन किसको बनाया गया, जिन्होंने हाल ही में रिटायर किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंग्लैंड के वो कौन से वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं जिनको रिटायर किया गया है या रिटायर हुए हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट से, अथर्व मित्तल किससे पूछ रहे हो, मोमो आपको अच्छा लगता है, नहीं बताओ, सुबह सुबह मोमोज की बात कर रहे हैं ये लोग। रागिनी ठाकुर, सुबह सुबह कौन मोमोज की बात करता है, क्यों खाने का मन कर गया क्या तुम लोगों का। स्टूडेंट तुम लोग कुछ भी बोलते हो, योर आंसर विल बी सी, दैट इज इओइन मॉर्गन, इओइन मॉर्गन। चलिए, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आर करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन, वी हैव कंप्लीटेड आर एमसीक्यू सेशन, नाउ मूविंग ऑन टू आर जनरल नॉलेज। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, चलिए, सो दानिश सिद्दीकी हैं, ये देखिए ये हमारे अवार्डी हैं, और जो अवार्ड मिला है वो ये है, अवार्ड मतलब जिसको दिया, मतलब जो अवार्ड है, और अवार्डी मतलब जिसको दिया गया अवार्ड। ठीक है, चलिए, सो पुटलिजर प्राइज मिला है फोटोग्राफी कैटेगरी में किसको, दानिश सिद्दीकी को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है आईबीवी दोषी को। 2022 टेम्पलेटन प्राइज मिला है डॉक्टर फ्रैंक विलचेक को। ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड मिला है मिस्टर अजय पिरामल, जो कि चेयरपर्सन है पिरामल ग्रुप के। विलियम ई कोलबे अवार्ड मिला है मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए ऑथर एंड जर्नलिस्ट वेंसे मॉर्गन को। देन सीमा नजारेत अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म फॉर द पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट ओरिएटर नितिन कुमार जी को। 2022 लियोनडेल अवार्ड मिला है उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रेथ्स शौकीन सेन को।
चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, ट्राइंगल ऑफ सैडनेस इसको मिला है पाल्मे डी ओर एट 75th कैंस फेस्टिवल. ट्राइंगल ऑफ सैडनेस एक मूवी है, इसको पाल्मे डी ओर मिला है 75th कैंस फेस्टिवल में. आगे बात करते हैं वेस्ली मॉर्गन, इनको मिला है विलियम ई कोलबे अवार्ड फॉर दी 2022. आर जे उबेर को मिला है बेस्ट कॉन्टेंट एंड इम्यूनाइजेशन अवार्ड यूनिसेफ के द्वारा. ठीक है, संजीत नरवेकर को मिला है वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022. ठीक है, सो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स एनालिसिस कंप्लीट होती है. उसके बाद हम MCQ सेशन को कंप्लीट करते हैं. एक रिविजन सेशन था, उसके बाद हमने जनरल नॉलेज कवर किया, सो जनरल नॉलेज वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, चलिए अब हम CUET 2022 की टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं. अंतिम बार लॉन्च हो चुका है 30th of June से. आपको एक कोड यूज़ करना है, उस कोड का नाम क्या है? सी कैपिटल Y455 उस कोड का नाम है जो आपको यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. सो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको आप लोग को डाउनलोड करना है. यहाँ पर आपको डेली फ्री क्विजेस, करंट अफेयर्स, GK, यू नो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की क्लास है वो आपको यहाँ पर करनी है अटेंड. ठीक है, आर्यन वर्मा रिविजन ही है बच्चे, एक बेहतर रिविजन हम डेली करते रहेंगे. ठीक है, डोंट वरी. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये आपको यहाँ पर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, आज तो 1st of July थी और आज हमने करंट अफेयर्स एनालिसिस की MCQ सेशन किया, जनरल नॉलेज किया. ठीक है, और बेसिकली ऐसे ही रिविजन सेशंस आपका चलते रहेंगे और हम नए करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे, MCQ करेंगे. 10th of July को आपकी 6 months की मैराथन क्लास होगी, एक भी क्लास मिस मत करिएगा. क्योंकि और एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, जो लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स हैं, मतलब आपका पेपर 15th of July से है, तो जो जून के मंथ के करंट अफेयर्स हैं, जो जुलाई के मंथ के करंट अफेयर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स में. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, बी कंसिस्टेंट. एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप मेरा सेशन देखते रहिएगा, क्योंकि एक जनरल नॉलेज हमेशा बनी रहनी चाहिए. आगे चल के आप नए एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपको देखते रहना है. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ टुडे. लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ. अंटिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स. जय हिंद, लव यू ऑल.